the picture top of waterway. ये waterway का picture top है, okay? Waterway यानी port. ये क्या है पूरा picture? Port का. Port में क्या क्या होता है आज हम वो देखेंगे, okay? ये क्या है? Ticket counter. जहां से लोग tickets लेते हैं और उसके बाद ही boat में बैठते हैं. बोट में क्या होता है? बोट होती है, फेरी होती है, शिप होती है, क्रूज शिप होती है, और बोट होता है, पैडल बोट होती है, सबमरीन होती है. ये सारी पोर्ट के किनारे दरिया में होती है, ओके? ये क्या है? सन. एंड ये सब क्या है? क्लाउड्स, ओके? तो बोट में क्या क्या होता है आपको समझ में आ गया. और ये जो सारी शीट्स होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते हैं, ओके? और एक जगह से दूसरी जगह किसी को जाना हो तो ये बोट में बैठ के भी जा सकते हैं. एक कंट्री यानी एक देश में दूसरे देश में जाना है तो भी बोट में या क्रूज शिप में बैठ के जा सकते हैं, ओके? और उसमें माल सामग्री की हेर फेर भी होती है. तो बच्चों, आपने पोर्ट की विजिट की है कि नहीं की है? जिसने नहीं की है तो वो एक बार पोर्ट की विजिट जरूर करना, ओके? ताकि आपको वहां जानने को मिले कि पोर्ट में क्या क्या होता है, कुछ नया जानने को मिलेगा, ओके? आपको हमारे यहाँ नजदीक एक कंडला पोर्ट है, आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स को भी पता होगा. तो कंडला पोर्ट की विजिट आप एक बार जरूर लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कि पोर्ट क्या होता है. वो देखोगे फिर आपको पता चल जाएगा, ओके? दिस इज द पिक्चर टॉप ऑफ वाटरवे. दिस इज पोर्ट. This is port, okay? ये port का picture है. It is an area near the coast. It is the area where the ship stops to drop off or pick up people and goods. It has shops, benches, etc. This is a cruise ship. It moves on water. It is bigger than a motor boat. It can carry almost 3,000 people. Cruise ship के अंदर 3,000 लोग बैठ सकते हैं. This is a paddle boat. It moves on a water. It is found in different sizes and colors. It is meant for 2-6 people. It is used for boating in lakes. ये पेडल बोट है वो लेक यानी तालाब में यूज होती है. दिस इज अ सबमरीन. इट मूव्स अंडर वाटर. इट इज यूजुअली ग्रे और व्हाइट इन कलर. इट इज यूज बाय द नेवी. ये सबमरीन जो है वो नेवी में यूज होती है. सम सबमरीन आर इक्विप्ड विद मिसाइल्स. Overboard. This is an overboard. It moves on water. It is a small boat. It is an oval shaped boat. It is found in different sizes and colors. It moves ahead with the help of two wooden oars. This is a ferry. It moves on water. It is a type of mechanized boat. It is used to transport people from one end of a lake to the other. It is a public means of transport. This is a mechanized boat. It is also called motor boat. It moves on a water. It runs on a motor or machine. It is found in different colors, sizes and designs. It is bigger than an oar boat. Now students, open your world around my picture book.
पेज नंबर 45 वॉटरवेज और बोट. व्हाट इज दिस? दिस इज और बोट. और बोट में ये दोनों साइड क्या होते हैं? हलेशे होते हैं ना, जिससे बोट चलती है. सेल बोट, ये है सेल बोट. एंड दिस इज मैकेनाइज्ड बोट. नेक्स्ट व्हाट इज दिस? दिस इज फेरी. एंड दिस इज फ्रेट शिप. दिस इज फ्रेट शिप. एंड दिस इज सबमरीन. ये नेवी में यूज होती है. एंड दिस इज क्रूज शिप. ये क्या है? क्रूज शिप. क्रूज शिप होती है वो एकदम बड़ी होती है और उसके अंदर होटल भी होती है और लोग उसके अंदर ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं. उसके अंदर सब कुछ होता है, स्विमिंग होता है, गार्डन होता है, होटल होता है. ओके, क्रूज शिप के अंदर सब होता है. क्रूज शिप इज लाइक अ बिग होटल. क्रूज शिप जो है वो एक बड़ी होटल जैसी होती है. पीपल स्टे ऑन दिस शिप. क्रूज शिप के अंदर, क्रूज शिप के अंदर लोग रह सकते हैं. वन कैन ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस इन अ क्रूज शिप. अगर किसी को कहीं पे दूर बाहर कंट्री में जाना हो तो वो क्रूज शिप में ट्रैवल करके जा सकते हैं. ओके, थैंक यू.